सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले चॉकलेट कप्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और ऊपर इस तरह का बाउल रख दूंगी इसके ऊपर। अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम चॉकलेट और इसे मेल्ट कर लेंगे और गैस को हल्का ही रखेंगे। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैंने यहाँ पर पेपर मफिन मोल्ड लिए हुए हैं इस तरह के, एक ले लेंगे और इसमें चॉकलेट को इसमें डाल देंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए इसको अच्छे से सारी जगह से कोट कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ऊपर लगा देंगे, पूरे तरीके से सारे मोल्ड पे लगा देंगे चॉकलेट को। और एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकाल देंगे अब इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। और साथ ही में दूसरे चॉकलेट कप को तैयार कर लेते हैं। बार में एक ही कप कोटिंग करूंगी चॉकलेट की, आप भी एक बार में एक ही कप पे चॉकलेट की कोटिंग करें। और इसे भी सेट होने के लिए रख देंगे। ये पहली वाली जिसको हमने सेट करने के लिए रखा था वो सेट हो गया है। एक और बार चॉकलेट की कोटिंग रख देंगे इसके ऊपर और एक्स्ट्रा चॉकलेट को घुमाते हुए बाहर निकाल देंगे। ये एक बार फिर से हमने कोटिंग कर ली है चॉकलेट की इसके ऊपर और इसे फिर से 2 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। दूसरे कप पे भी चॉकलेट की डबल कोटिंग कर लेंगे। चॉकलेट के कप्स अच्छे से इसमें चॉकलेट जम गई है। अब इन पेपर कप्स को बाहर निकाल लेंगे। पेपर कप्स के एंड लेते हुए इसको धीरे धीरे से इनको निकाल देंगे। कि डबल कोटिंग होना बहुत जरूरी है, अगर सिंगल कोटिंग होगी तो इतने अच्छे से ये बन नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपको चॉकलेट की डबल कोटिंग करनी है। इसी तरह से दोनों कप के पेपर कप बाहर निकाल लेंगे। चॉकलेट कप बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।